तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बताया, सैमसंग गैलेक्सी में हर एप्स एक सेटिंग्स का अलग अलग ऐप बना रखा है और सब पे अलग अलग एक अपडेट आता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग डिजिटल वेलबीम के नए अपडेट के बारे में। नए अपडेट से क्या नए चेंजेस क्या किए गए उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे नए अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लो। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि रहता है, आपको बताने वाला हूँ सैमसंग डिजिटल वेलबीम के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ जाना है, आपके अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है, या तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाके भी चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है या नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंट्स कंट्रोल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ थ्री डॉट्स पर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे एंड देन अबाउट डिजिटल वेलबीइंग देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा एक नया अपडेट यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख रहा होगा। तो ये रिसेंटली अभी नया अपडेट को रोल आउट किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 3 जून को रोल आउट किया गया। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि प्रीमियम फोन्स पे पहले आता है और बाद में नॉर्मल फोन्स में आता है, तो मेरे पास ये अपडेट अभी आया है। अब पहले तो कर लेते हैं अपडेट और उसके बाद बताते हैं क्या क्या नए चेंजेस। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। द मेन स्क्रीन ऑफ डिजिटल वेलबीइंग हैज बीन डिजाइन मेकिंग इजियर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए बहुत ईजी कर दिया गया है और साथ में आप यहाँ पर वीकली रिपोर्ट को भी इजिली यहाँ पर देख पाएंगे। अपना पैटर्न ऑफ यूज, आप कितना चलाते हैं, कितना ज्यादा उसको यूज करते हैं, कितना स्क्रीन टाइम है, सारी चीजें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज क्या होता है, डिजिटल वेलबीइंग आपके जो मोबाइल को है ना पूरा चलाने में भी मदद करता है आपको, मतलब कि आपको मैनेज करता है कि आप कितने अपने आपसे डिजिटल लाइफ से आप मैनेज हैं, मतलब कितना आप डिजिटली अपने मोबाइल को यूज करते हैं, लाइक सोशली इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सअप या अदर फालतू के टाइम आप कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन उसको पूरा एनालाइज करता है और आपको उसकी वीकली रिपोर्ट बताता है कि आपका जैसे अगर ये आपका कोई बच्चा मोबाइल चला रहा है तो आप उससे पूरी रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं और वो चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप अपने आप उसको उसकी जो लत है उसको हटा सकें। ठीक है, अभी ऐसे हो चुका है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको उसको यूज़ करना बताता हूँ एक बार। तो फाइनली हो चुका है इंस्टॉल, अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहाँ से ओपन नहीं होगा, इसके लिए आपको यहीं सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहीं जाना है डिजिटल वेलबीइंग में और आप देखेंगे आपका अपडेट हो चुका है। नीचे की तरफ आएंगे आपको मिल जाएगा और ये फाइनली अपडेट हो चुका है। तो सबसे पहले जैसा कि उन्होंने बोला है कि उसकी मेन स्क्रीन को रीडिजाइन कर दिया गया है ताकि आप इजीली क्विकली कोई भी इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देगा कितना टाइम आपने सोशली वीडियोज में सोशल में दिया है, कितना टाइम आपने यूट्यूब यूज किया, कितना टाइम आपने इंस्टाग्राम यूज किया, कितना टाइम अदर ऐप यूज करी। आप यहाँ पर अपना गोल सेट कर सकते हैं कि इतने ज्यादा मोबाइल यूज ना करूं तो वो आपको हटा देगा। रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, कितनी ऐप आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, सारी चीज आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सबसे पहले आपको दिखा रहा है यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ओवरऑल में तो आपको बता देगा संडे, जैसा कि मैंने आज वीडियो बहुत देखी है तो वीडियो का बता रहा है 2 घंटे ज्यादा वीडियो आपने देखी, सोशल मैंने 1 घंटा यूज करा, अदर मैंने 97 मिनट दिए, ये सारी चीज आपको एनालिस करके बता देगा। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे नोटिफिकेशन वाइज बता देगा कितनी नोटिफिकेशन सोशल की आई, कितनी प्रोडक्टिव फाइनेंस की आई, कितनी अदर आई, वी ऑल करेंगे तो सारी अलग अदर बता देगा, कितनी बार आपने मोबाइल को अनलॉक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एप्स वाइज जाएंगे तो आपको एप्स वाइज बता देगा कि सबसे ज्यादा आपने यूट्यूब को यूज करा, फिर इंस्टाग्राम यूज करा, फिर वेयर इज माई ट्रेन यूज किया, फिर आपने मनी कंट्रोल की सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन आई, जीमेल की आई, फ्लिपकार्ट की आई एंड देन अनलॉक किया। आप यहाँ पर पूरी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। उसके अलावा आपने सबसे ज्यादा कौन सी ऐप यूज करी ऑटोमेटिक आपको बता देगा। यहाँ पर अपना सेट गोल कर सकते हैं कि कितने से ज्यादा आप अपने मोबाइल को यूज ना कर सकें, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर दूं कि 2 घंटे के ज्यादा अगर मैं अपने मोबाइल को यूज करूंगा पूरा स्क्रीन टाइम वो ऑटोमेटिक उसको बंद कर देगा और मुझे एरर दे देगा कि आप ज्यादा चला चुके हो, अब अपने मोबाइल को आप बंद कर दो। ठीक है, इसके अलावा YouTube में भी टाइम सेट कर सकते हो कि मैं फालतू ज्यादा वीडियोस देखता हूँ तो YouTube का भी टाइम को सेट कर दो, उसके अलावा वो उससे ज्यादा वो टाइम ना चले उसके बाद वो एरर दे देगा। ऐसे वीडियोज के लिए भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ड्राइविंग मॉनिटर के लिए भी एनालिस कर सकते हैं, स्क्रीन वाइल्ड वॉकिंग स्क्रीन टाइम वाइल्ड वॉकिंग में भी आप यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे आपने कितना ज्यादा उसको स्क्रीन को यूज किया। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप अपनी तरीके से पूरी तरीके से मैनेज कर पाते हैं और अपडेट के साथ इसमें बग्स भी फिक्स होते हैं और कुछ इनहांस फीचर भी अनाउंस किए जाते हैं, मतलब एड ऑन किए जाते हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च में जाएंगे तो पूरी सेटिंग सर्च हो जा पाएगी। यहाँ पर जाएंगे एनालिस्ट में तो पूरी वीकली रिपोर्ट आपको बता रहा है, जैसे कि आपके बता रहा है ये मंडे का क्या बता रहा है, मैंने यहाँ पर ज्यादा मोबाइल चलाया, गोल को हाईलाइट कर रहा है कि आपने ओवर मोबाइल चलाया है, आप देख सकते हैं।
जहां मैंने ओवर मोबाइल चलाया वो हाईलाइट करके बता देगा, जहां मैंने कम चलाया है तो वहां राइट राइट करके बता रहा है। मतलब 3 दिन मैंने गोल अचीव किया और 4 दिन मैंने गोल अचीव नहीं किए। यहाँ पर आप देखेंगे इन एवरेज और स्क्रीन आउट टाइम मेरा 2 घंटे 40 मिनट एवरेज है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। वीडियो आपने कितने घंटे देख ली वो बता देगा, कितने ज्यादा आपने पीक टाइम यूज किया वो भी बता देगा, कौन सी ऐप को यूज किया सारी चीजें आपको यहाँ पर एनालिस करके बता देगा, कितने ज्यादा गेम खेला ये सब चीजें आपको यहाँ पर एनालिस करके बता रहा है। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने आप को एनालिस करके जरूर देखना कि कितना ज्यादा आपने स्क्रीन टाइम रहता है। तो इससे आप अपने को आप अपने आप को डिजिटली अपने आप को ज्यादा डिजिटल होने से बचा सकते हैं, मतलब अपने आप को लिमिट कर सेट कर सकते हैं कि ज्यादा आप मोबाइल यूज ना करें। अगर आप अपने बच्चों के लिए करना है तो भी आप इसका यूज कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो और मुझे व्हाट्सअप पे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।